अच्छा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जी, एक छोटा सवाल है सर, आप मीडिया को लेकर बैन कर दीजिए, मीडिया को सहमति जता दी जाती है, जनगणना पर सहमति जता दी, लेकिन जो सबसे बड़ा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पंजाब, दिल्ली, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या ये संभव है कि इस तरीके के बैठकों से नतीजा निकलेगा? देखिए दोस्त, आज एक बहुत ही कॉपरेशन के माहौल में बैठक हुई, सफल बैठक हुई और एक सहमति बनी है कि मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर अब राज्य दर राज्य फैसला लें, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लें कि कैसे अब सीट शेयरिंग आगे होने जा रही है। सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द समाप्त करने का फैसला भी लिया है, किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, उस पर सहमति बनी है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द की जाए। अब सर जब आप पार्टीज के आपस में संवाद शुरू होगा गवर्नमेंट में तो आपको जरूर सूचित करेंगे। सर मीडिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि मीडिया में जिस तरीके से आप लोगों ने पैनल बनाया था, कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी मीडिया के साथ बड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाती है, तो क्या ये संभव है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो किसी शो में न जाए, किसी खास पार्टी? हम किसी जर्नलिस्ट को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम चीयर लीडर्स को लेकर बात कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं जो पत्रकारिता करते हैं, हम ऐसे लोगों को लेकर बात कर रहे हैं जो एक पार्टी का प्रचार करते हैं। अच्छा एक और आखिरी सवाल है सर कि क्लेम का आधार क्या होगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जो पार्टियों का क्लेम होता है बिल्कुल अलग होता है, वोट शेयर अलग होता है, लोकसभा और विधानसभा की परिस्थितियाँ अलग होती है, तो वो सबसे बड़ी चुनौती है, इसका सबसे ज़्यादा सवाल बीजेपी पूछ रही है। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ बीजेपी कि बीजेपी आज कहीं ना कहीं हमारे इंडिया गठबंधन से डर गई, घबरा गई, पर इसका आप अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि अभी तो हमारा गठबंधन नया नया है, बना ही हमने, नाम की घोषणा करी, अभी तो नामकरण हुआ है, इस नामकरण से इतना घबरा गई कि कह रही है देश का नाम बदल देंगे। ये बीजेपी ना इंडिया से प्यार करती है, ना भारत से प्यार करती है, ये सत्ता से प्यार करती है, और ये सत्ता के लिए देश का नाम बदल भी सकती है और देश को मिटा भी सकती है। देशवासियों सावधान हो जाओ बीजेपी। तो कांग्रेस और आम आदमी साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो राघव चड्ढा बता रहे हैं कि समय के साथ जो क्लेम का आधार है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि अंदर खाने ये बातें तय होंगी, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के खिलाफ जो उसका अश्वमेध का घोड़ा है जीत का, उसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आने वाला वक्त तय करेगा कि उसका फार्मूला क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।